अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैर से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो आज मैं अपने सिस्टर के पास आई हुई थी क्योंकि आज शॉपिंग पर जाना है, तो मैं और वो साथ ही जाते हैं, कहीं भी जाते हैं तो साथ ही जाते हैं, तो इस वजह से मैं उसके घर आई हुई थी। ये पूछा किसी ने? पूछा किसी ने? किसी ने नहीं पूछा। और ये मेरी सिस्टर के घर में जामुन का पेड़ भी है, एक नहीं दो दो हैं, तो माशाल्लाह वो अभी सीज़न चल रहा है तो वो पक गए थे, बिल्कुल बहुत अच्छे लग रहे थे और माशाल्लाह से इतने मीठे थे खाने में। मैंने और हादिया ने तो बहुत खाए लेकिन हानी को पसंद नहीं आए तो उसने नहीं खाए। A few moments later. तो हम रेडी हो गए थे जाने के लिए, बच्चे हादी हानी और अहद और अंशी भी साथ ही चल रहे थे क्योंकि बच्चों की छुट्टी थी आज ट्यूशन की, तो इस वजह से हमारे साथ ही चल रहे थे। तो ईद भी आने वाली है तो मैंने सिस्टर को बोला चेज़अप का चक्कर लगाते हैं क्योंकि बहुत दिन हो गए थे, हम गए भी नहीं थे, तो इस वजह से वुमेन और आजकल तो कराची में बहुत ज़्यादा गर्मी है और ईद के दिन भी बहुत होगी, तो इस वजह से हम सोच रहे थे कि बच्चों के कपड़े वगैरह तो इस मौसम के हिसाब से लें। तो चेज़ा पर हम पहुँच गए और पूरा रास्ता हमने बच्चों को समझाया कि वहाँ हमें तंग नहीं करना, लेकिन बच्चे हैं किसी की सुनते ही नहीं हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? और हादिया को फ़्रॉक तो इतने पसंद है तो मुझे बोल रही थी मासूम शक्ल बना के कि अम्मी मुझे प्लीज़ लेकर दो लेकर दो। और ये ग्रीन शर्ट तो बहुत पसंद आई मुझे, इसका लुक बहुत प्यारा था, बहुत अच्छे कपड़े थे सभी, ईद के हिसाब से भी बहुत अच्छे थे। और ये पर्पल भी मुझे बहुत पसंद आया। हादी और हादिया और हानी को ये जम सूट बहुत पसंद आया, तो हादी तो बिल्कुल नाराज़ हो गए मुझसे कि मुझे लेकर दो ये लेकर दो। तो चेज़ा मार्ट के सामने ही बिल्कुल आइडियल मार्ट है गुलशन जदीद में, तो हम वहाँ भी चक्कर लगाने गए लेकिन वहाँ न्यू स्टॉक कोई आया ही नहीं था, तो इस वजह से हम वापस आ गए।
और यही था आज का व्लॉग, तो ज़रूर आपको पसंद आएगा, लाइक और कमेंट ज़रूर करें और मुझे ज़रूर बताएं कि कैसा है आज का व्लॉग, और बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी करते हैं आप सब लोग, बहुत शुक्रिया उन सब का। और ज़रूर मेरे चैनल को जो न्यू व्यूअर्स आते हैं वो लाइक और कमेंट करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। क्या बोला तूने?